मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आखिर ये हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश की मंत्री और डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी लगातार विवादित बयान देकर के वायरल हो रही हैं। पहले अपनी ही पार्टी को कहती हैं कि पार्टी भाड़ में जाए और फिर कमलनाथ को कहती हैं लुच्चा लफंगा और शराबी। आप भी सुनिए क्या कहा मंत्री जी ने। तो कैसे लुच्चे लफंगे भी कमलनाथ बन गए, तो कैसे लुच्चे लफंगे भी कमलनाथ बन गए। क्या दतिया जिले में समझो, क्या ग्वालियर में समझो, वैसे आदमी होते ना कवारी टाइप के, हो तो वह पूरे को शराबी कवारी ऐसे वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पी पाके वो मेला निकलते तो क्या क्या ही समझाला। तो कैसे लुच्चे लफंगे भी कमलनाथ बन गए। उपचुनाव में बोल बचन की शुरुआत कमलनाथ के आइटम के बयान से शुरू हुई थी और जमकर उस बयान पर छीछा लेदर होती रही। उसके बाद शुरू हुई मंच पर रोने के और गले लगाने की नौटंकियां। इसके बाद इमरती देवी ने भी मर्यादा लांघी और पहले कमलनाथ के परिवार की महिलाओं को लेकर के बयान दिया, तो अब लुच्चा लफंगा और शराबी तक कह दिया। आखिर इन बयानों को देकर ये नेता जताना क्या चाहते हैं? ये जनता को सोचना पड़ेगा कि वो जिन नेताओं को चुन करके विधानसभा में भेज रहे हैं आखिर उनकी असलियत क्या है।